दोस्तों, दाबेली बनाने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है उबल के मैश किए हुए आलू। यहाँ पे मैंने 3 आलू उबल के उन्हें मैश कर लिया है। 1 कटोरी बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे मैंने इमली गुड़ की खट्टी मीठी चटनी ली है, जो हम लोग लगभग 1-2 टेबलस्पून डालेंगे। यहाँ पे मैंने लिया है अमूल बटर। अमूल बटर आपको जितना पसंद हो उसके हिसाब से आप डाल सकते हो, लेकिन ये याद रहे कि आपके घर में अगर कोई कोलेस्ट्रॉल वाला पेशेंट है तो अमूल बटर डालते समय वो सीमित मात्रा में होना चाहिए। जरूरत के अनुसार हम पानी भी लेंगे। यहाँ पे बारीक कटा हुआ धनिया भी मैंने लिया है। साथ ही मसालों में मैंने लिया है लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला, गरम मसाला और धनिया जीरा पाउडर। दाबेली का मसाला बनने के बाद उसे सर्व करने के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है बारीक कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ धनिया। यहाँ पे मैंने मसाला सिंगदाना लिया है, जो आपको किसी भी शॉप में अवेलेबल हो जाएगा। अगर शॉप में अवेलेबल नहीं होता है तो आप इसे घर पे भी बना सकते हैं। सिर्फ आपको छीले हुए और भुने हुए सिंगदाने लेने हैं। उसके ऊपर आपको चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालना है और ऊपर से नींबू निचोड़ देना है। यहाँ पे मैंने लहसुन की चटनी ली है, इमली गुड़ की चटनी ली है और अमूल बटर लिया है। अगर आपको पसंद हो तो गार्निश करने के लिए आप अनारदाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पैन गरम करने के लिए रख दिया है। फ्लेम एकदम लो रखा है। अभी इसमें मैं ऐड करूंगी अमूल बटर। बटर को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे बटर मेल्ट हो रहा है, हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और इसे अच्छे से सॉटे कर लेंगे। आप देख सकते हैं सौते करने से इसका रंग अभी हल्का हल्का ब्राउनिश होना चालू हो गया है। तो अभी हम इसमें ऐड करेंगे चिली पाउडर। यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून चिली पाउडर लिया है। आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा चिली पाउडर इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हम इसमें ऐड करने वाले हैं गरम मसाला। गरम मसाले के साथ इसमें जाएगा थोड़ा सा चाट मसाला। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे धनिया जीरा पाउडर। अभी इस पूरे मिक्सचर को अच्छे से हमें फिर से सौते कर लेना है। यह मिक्सचर अच्छे से सौते हो गया है। अब ये जले नहीं, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अभी हम इसमें ऐड करेंगे उबल के मैश किया हुआ आलू। मैश किए हुए आलू को हम इस मसाले के साथ अच्छे से भून लेंगे। मैश किया हुआ आलू इस मिक्सचर के साथ हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अभी हम इसमें और थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी डालने के बाद हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। अभी हम इसमें इमली गुड़ की खट्टी मीठी चटनी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। आपको अगर ज़्यादा पसंद हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी हमारा ये मसाला बना के रेडी है। तो अभी इसमें हम ऊपर से धनिया डालेंगे बारीक कटा हुआ और गैस हम बंद कर देंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पाव लिया है, लेकिन पाव को वड़ा पाव खाते समय जैसे कट करते हैं वैसे नहीं कट करना है। हमें यहाँ पे पॉकेट बना लेना है, ट्रायंगुलर कट करना है। ठीक है, मतलब ये साइड एक बंद रहेगा और एक साइड से ट्रायंगुलर शेप में ये ओपन होगा। इसमें हम अपना स्टफिंग करने वाले हैं।
अभी पाव के एक साइड के स्लाइस को हम ये तीखी चटनी लगा लेंगे, लहसुन की चटनी, और दूसरे साइड को हम ये इमली गुड़ की मीठी चटनी लगाएंगे। इसके बीच में हम भरने वाले हैं हमारा स्टफिंग। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ये स्टफिंग फिल कर रही हूँ। स्टफिंग एकदम अच्छे से कॉर्नर्स तक पूरी तरीके से हमें भरना है। हालांकि यहाँ पे ये स्टफिंग गर्म है, आप ठंडा होने के बाद भी कर सकते हैं। अभी मेरा यहाँ पे स्टफिंग भर के रेडी है। अभी इसको मैं ऊपर इसके ऊपर मैं डालने वाली हूँ बारीक कटा हुआ प्याज। यहाँ पे इसे अच्छे से प्याज डाल लेना है। अभी हमारी दाबेली पाव में स्टफ करके रेडी है। अब हम इसे तवे पे सेक लेंगे। यहाँ पे मैंने गैस पे एक दूसरा पैन गर्म करने के लिए रखा है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी अमूल बटर। यहाँ पे अमूल बटर मैंने ऐड कर लिया है। इसे हम तवे पे अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। और अभी हमने जो स्टफिंग करके रखा था पाव में, दाबेली का स्टफिंग, वो अभी हम इसमें गर्म करने के लिए रखेंगे। यहाँ पे मैंने इसे अमूल बटर के अंदर गर्म करने के लिए रखा है। ये हमें दोनों साइड से एकदम अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है, क्योंकि दाबेली खाने का मजा वो जब गर्म होती है तभी आता है। अभी ये एक साइड अच्छे से गर्म होने के बाद मैंने इसे दूसरे साइड से सेकने के लिए रख दिया है। आप देख सकते हैं। अभी हमने जो मसाला सिंगदाना लिया था, हम उसमें ये दाबेली को डिप करेंगे दोनों साइड से एकदम अच्छे से। आप देख सकते हैं। उसके बाद हम इसे सेव में भी डिप कर लेंगे एकदम अच्छे से। हमारी दाबेली तैयार है। अभी मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाला है। फ्रेंड्स, हमारी दाबेली की रेसिपी घर पे बना के रेडी है। आप भी अपने घर पे ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसे लगी। साथ ही हमारा चैनल मांगरूल फूड्स को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी जरूर दबाइए, ताकि आने वाले अगले नए रेसिपीज के बारे में आपको नोटिफाई किया जा सके। मांगरूल फूड्स की तरफ से मैं हर्षाली आपका आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू।